हेलो, मेरा नाम ऋतु लखीना है। बाय प्रोफेशन मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, एंकर भी हूँ और साथ ही साथ मेरी अपनी मीडिया एजेंसी है जिसका नाम है कृषांग। अच्छा, ये मीडिया एजेंसी से क्या आप करते हैं? सर, बेसिकली मैं एड्स बनाती हूँ, लाइक आई एम मीडिया प्लानर बाय प्रोफेशन। जैसे कि आप जो भी हम एड्स देखते हैं, कोई भी ब्रांड के आगे तो उसका एक प्रॉपर प्लान बोलते हैं। बेसिकली अगर मीडिया प्लानर तो प्रॉपर मीडिया प्लान बनाती हूँ ब्रांड के लिए। सो आई आप अगर हम फिल्म की लैंग्वेज में बोले तो इन दैट वे आई एम अ प्रोड्यूसर। सो इन दैट वे मेरा बस बेसिकली ये आई मीन टेलीविजन कमर्शियल डिजिटल आर्ट। तो हम क्या करते हैं, वी गेट इन टच विद ब्रांड्स, वी मेक द प्रॉपर मीडिया प्लान फॉर देम। हमारा प्रॉपर हम शूट टेलीविजन कमर्शियल मीडिया प्लान लेकर उसको प्लेटफॉर्म तक पहुँचाना, चाहे वो हमारा OTT हो, थिएटर्स हो, दैट्स व्हाट वी डू। एंड वैसे बाय हार्ट आई एम एन एक्टर, सो आई एम एन एक्टर टू। एंड अभी मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ, लाइक आई एम डूइंग फ्यू मूवीज, फ्यू वेब सीरीज, आई रिसेंटली शॉट फॉर म्यूजिक एल्बम, आई एम डूइंग फ्यू मोर। सो अच्छा ऋतु जी, आपने अब तक जो है किस तरह के कमर्शियल बनाए हैं, कोई पॉपुलर कमर्शियल हो, एड्स हो, तो उसका नाम? सर, मैंने काफ़ी कुछ किए हैं। अभी मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो हम रिलीज करने वाले हैं मार्च और अप्रैल में। मेरे जो मेन जो प्रोजेक्ट है वो रिलीज होने वाले हैं, ब्रांड्स भी रिलीज नहीं कर पाऊंगी। सो वी हैव शॉट फॉर लाइक 4 to 5 टॉप ब्रांड्स एंड वी आर मेकिंग ए प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन फॉर देम। लाइक आपको टेलीविजन में देखने के लिए मिलेंगे, सो आई एम वर्किंग ऑन देम। साथ ही साथ मैं कुछ एल्बम से भी वर्क कर रही हूँ, सो वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, आपने एक्टिंग की बात की, बॉलीवुड में आई है और क्या क्या किया है सर, आपके अचीवमेंट्स क्या है? ओके सर, मैंने स्टार्ट किया था 15 साल की एज में। अगर मैं बात करूँ तो मैं बाय हार्ट बचपन से एक्टर हूँ। लाइक बचपन में हर किसी का सपना होता है कुछ करने का, तो मेरा हमेशा था कि मेरे को तो एक्टर बनना है, मेरे को स्टार बनना है। एक्टर भी ना बोलते, मेरे को सुपर स्टार बनना है अपनी मॉम डैड को। सो एक वो कीड़ा था बचपन से। देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग एट द एज ऑफ 15। देन आई वन मिस हरियाणा, देन आई वन लाइक 15 पैजेंट्स। मैंने मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर विन किया, मैंने मिस टूरिज्म एम्बेसडर विन किया, मैंने मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल विन किया। सो मैंने 16 टाइटल्स विन किए। मैंने फिर 2019 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल में, तो मैंने वहाँ वो मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर विन किया था अपने इंडिया रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। फिर मैंने काफ़ी सारे फैशन वीक्स किए, काफ़ी सारे डिजाइनर्स के शूट किए, काफ़ी सारे एज मॉडल वर्क किया, खुद को एज दिल से एक्ट, मतलब आई वाज ग्रूमिंग माय सेल्फ इनटू एक्टिंग टू। फिर मॉडलिंग हुआ, फैशन शोज हुए, एक्टिंग के बारे में ग्रूम कर लो काफ़ी टाइम से खुद को। मेरा था कि सीधा स्टार बनूंगी। तो अभी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे कि मैं अभी मूवी कर रही हूँ, कुछ वेब सीरीज भी मैंने अभी शूट की है, जल्दी आने वाली है, मैं नाम नहीं बता पाऊंगी, आई एम वेरी सॉरी। एल्बम्स मैंने कुछ शूट किए हैं जो अभी हमारे मार्च में से रिलीज होना स्टार्ट होंगी, और 4-5 एल्बम्स मैं और कर रही हूँ, तो ये सब भी चल रहा है। आपका ड्रीम एक्टिंग का था, आपका ड्रीम एक्टिंग का था और आप एक्टर बनना चाहती थी, आप इस लाइन में आई थी, तो ये नहीं था कि मैं जो है मेन लीड में प्रेजेंट करूँगी, कोई मूवी करूँगी। तो क्या सोचा था कि मतलब मूवी करेंगी, सीरियल करेंगी, या वेब सीरीज करेंगी, या जो भी मिल जाएगा वो कर लेगी? नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। मेरा था कि मुझे सुपरस्टार बनना है, और सुपरस्टार मूवी या वेब सीरीज से बनते हैं आज की अगर हम जमाने की बात करें तो। तो मेरा ये था कि कोई मैं एक बड़े प्रोजेक्ट में, बड़ी मूवी में स्टार लीड पे हूँ, तो हमेशा से मेरा गोल मूवी का ही रहा है। इन दैट सेंस आजकल वेब सीरीज भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो अभी अगर मैं बात करूँ तो मूवी और वेब सीरीज मैं दोनों ही करना चाहूँगी, दोनों ही लाइक मेरी इक्वल प्रायोरिटी है। अभी तक कोई ऐसा ऑफर मिला है, कोई अच्छा ऑफर? हाँ जी, हाँ जी, मैं 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के मैं मूवीज कर रही हूँ और वेब सीरीज भी कर रही हूँ, अगर लीड कर रही हूँ। अभी नाम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो मीडिया पे अभी आए नहीं है। खैर, आई एम डूइंग 2 प्रोजेक्ट्स, बिग प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी नया आर्टिस्ट होता है, हाँ, उसका कोई काम हैंडल करता है, जहाँ पे फिल्म जो बनती है, जो प्रोड्यूसर बनाते हैं, वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं। तो आपने अपने लिए कोई कास्टिंग एजेंसी रखी है, कोई सेक्रेटरी मैनेजर रखा है, या अपना सारा काम खुद ही सेल्फ हैंडल करती है? ओके,
सो एक्चुअली सेल्फ हैंडल करती थी मैं, देन ऑफ कोर्स जब आप थोड़े बड़े थोड़ा आगे बढ़ते हो तो चीज़ें भी और आगे बढ़ती हैं, तो ऐसे मॉडल एक्टर और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। फिर जब मैंने एड्स का स्टार्ट किया तो इतना सारा आपको पता है कितना हेक्टिक रहता है वो सब, तो इतना ज़्यादा तक मैं मैनेज नहीं कर पाती। तो हाँ जी, वो मेरी वो टीम भी है कि अगर शूट या कुछ मैनेज करना, सो आई हैव अ टीम ऑफ कास्टिंग पीपल, आई हैव टैलेंट मैनेजर्स। अब मैं किसी के थ्रू नहीं करती, मेरा पर्सनल है वो, तो मेरे टैलेंट मैनेजर हैं, सो या वो भी है। हाँ जी, तो आपका इंस्टाग्राम हैंडल फेसबुक हैंडल कुछ ऐसा होगा? हाँ जी, मेरा इंस्टाग्राम है रितु लखीना ऑफिशियल, फेसबुक रितु लखीना। आप बिलोंग कहाँ से करती हो? बॉम्बे से तो नहीं हो? मैं फरीदाबाद से हूँ, बेसिकली फरीदाबाद हरियाणा से। तो हाँ जी, थैंक यू। कुछ और कहना चाहेंगे? बस थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आगे भी हम मिलते रहेंगे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच।